गुड मॉर्निंग टू क्लास थर्ड स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने नेचुरल थिंग्स एंड मैन मेड थिंग्स पढ़ा था। सबने ये पढ़ा होगा, नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स। नेचुरल में जो नेचर के थ्रू क्रिएट होता है उसको नेचुरल थिंग बोला जाता है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मैन मेड थिंग। जैसा कि नाम है मैन मेड, आदमी के द्वारा बनाया हुआ कोई भी वस्तु उसको मैन मेड थिंग्स बोला जाता है। मेरे पीछे पीछे आप रिपीट करोगे, थिंग्स दैट आर मेड बाय मैन आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स। थिंग्स दैट आर मेड बाय मैन आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स। वॉट आर मैन मेड थिंग्स, वॉट डू यू मीन बाय थिंग्स दैट आर मेड बाय, मतलब आदमी के द्वारा बनाई हुई वस्तु को मैन मेड थिंग्स बोल जाए। अब इसमें एग्जाम्पल आपके दिया गया है, क्या क्या बनाया गया है, टेबल है, डेस्क है, बस है, मशीनरी, कोई भी मशीनरी। जैसे टेबल, टेबल किसके थ्रू बनाया जाता है, आदमी के द्वारा बनाया जाता है। और डेस्क, डेस्क भी किसके थ्रू बनाया जाता है, आदमी, मैन मेड, ये नेचुरल नहीं होता है। बस, बस भी नेचुरल नहीं होती है। अब आज हम ये पढ़ेंगे मशीन। मशीन क्या होती है, कोई भी मशीन किसके द्वारा बनी जाती है, मशीन मैन मेड थिंग्स है। मशीन खुद एक एग्जाम्पल है किसकी, मैन मेड थिंग्स की। दे मेक्स आवर वर्क फास्ट एंड ईजी, और ये अपना काम फास्ट, बहुत जल्दी और उस काम को आसान बनाने में उपयोगिता रखते हैं। दे हेल्प अस टू डू डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क, डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क करते हैं। ऑल मशीन हैव सम थिंग्स इन कॉमन, वो कुछ ऐसे कॉमन चीज़ें जो मशीन, सभी मशीन करती है। जैसे मशीन वर्क्स वेरी फास्ट, मशीन मेक आवर वर्क ईजी, थर्ड वन मशीन सेव आवर टाइम, टाइम बचाती है ना। अब जैसे कैलकुलेट से, अपन कैलकुलेटर से काम करते हैं, लेकिन जब कैलकुलेट जब मैनुअली करते हैं तो बहुत समय लगता है, लेकिन जब कैलकुलेट से करते हैं तो बहुत इजीली हो जाता है। मशीन्स कैन नॉट वर्क ऑन देयर ओन, उसको अपने आप मशीन नहीं चलती, लेकिन उसके लिए यूजर होना ज़रूरी है। यूजर यहाँ पर मैन मेड थिंग्स है। अब ये कुछ मशीन्स है जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है, जैसे मिक्सर है, वॉशिंग मशीन है, रेफ्रिजरेटर है। कुछ मशीन्स ऐसी है जो फ्यूल पे चलता है, एरोप्लेन है, कार है, फैन है। कुछ ह्यूमन पावर पे चलती है, स्टेपलर है, बाईसाइकिल है, नेल कटर है। और कुछ मशीन्स है जो बैटरी पे चलती है, मोबाइल फ़ोन, टॉर्च, क्लॉक। ये आपको चारों पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ किस पे चलती है। अब ये एक्टिविटी है और आपका होमवर्क भी है, टू मशीन डेट रन्स ऑन फ्यूल, कौन कौन सी हो गई, कार और एरोप्लेन। यहाँ से देख के आपको लिखना है कि ऊपर कौन कौन सा है, फ्यूल पे कौन सा है, कार और एरोप्लेन। टू मशीन्स डेट आर ह्यूमन पावर, ह्यूमन पावर पे कौन कौन सा है, स्टेपल, बाईसाइकिल एंड नेल कटर, नेल कटर एंड बाईसाइकिल, कोई भी लिख सकते हो आप, स्टेपलर भी लिख सकते हो। टू मशीन डेट रन्स ऑन बैटरी, मोबाइल एंड वॉच। टू मशीन्स डेट रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी पे क्या चलता है, मिक्सर, रेफ्रिजरेटर वगैरह और भी चीज़ें। ये यहाँ पर आपके ये लिस्ट पूरी दी गई है। टिक टिक द वंस डेट आर मशीन्स, कौन कौन सी इसके अंदर मशीन है, मशीन मतलब मैन मेड थिंग्स। मैन मेड थिंग कौन सा हो गया, स्टेपलर, मिक्सर, नेल कटर, ये आपको इसमें लिखना है और डायग्राम भी बनाना है। ये आपका होमवर्क है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।